Now, if you are able to remember, I have discussed in, I think, previous classes, what is the difference between, you can say, traditional agriculture, or you can say the current agriculture, you know? And then, dusra kya tha, organic agriculture and natural agriculture. You can say this is a fertilizer based. Okay, अभी जो नए स्टूडेंट भी आए कुछ जिनका भी कुछ हुआ नहीं है मतलब सिलेबस नहीं हुआ ठीक है तो अगर नहीं समझ आए तो लास्ट के बाद मुझसे पूछ लेना बेसिक क्योंकि करंट पे भी क्लास थोड़ा सा पास होगा ठीक है द सेकेंड वन इज कौन सी है ऑर्गेनिक बेस्ड एंड द लास्ट वन इज नेचुरल जिसको आप जिसके बेस पर क्या बना है जीरो बजट नेचुरल पार्क जीरो बजट नेचुरल पार्क में ऑलरेडी वीडियो हमने नहीं मिल गया है ठीक है ऑलरेडी हमने इसकी वीडियो है ठीक है कि व्हाट इज सो फर्टिलाइजर दिस मींस यू आर एडिंग फर्टिलाइजर इट मींस ऑन द आउटर साइड यू आर एडिंग समथिंग व्हिच इज वेरी है ना सिंपल बट इन ऑर्गेनिक हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्या यूज करते हैं और देसी है ना खाद देन नेचुरल इन नेचुरल आप आउटसाइड से क्या यूज करते हैं कुछ भी नहीं नो इवन इफ इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग व्हेन यू यूज मैन्यूर्स एंड अदर थिंग्स दे शुड बी कम फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर क्रॉप एज वेल एज फार्मिंग जो अपनी एनिमल रेडी दोनों होती उसी केस में वो आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पढ़ देना ठीक है मतलब वीडियो देख लेना इट मीन्स इस केस में आउटर साइड की बात करो फ्रॉम आउटसाइड ना तो फर्टिलाइजर आएंगे ना ही मैन्यूर ठीक है फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ नेचुरल फार्मिंग इज फॉरेस्ट फॉरेस्ट में कौन सा हम कुछ डालते हैं है ना दैट इज अ बिगेस्ट बिकॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल किस में विद द पहले डिटेल्स करें ताकि वही तो मैं करूंगा उसी को डिटेल में करो प्रोडक्टिविटी हां प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो है ना गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज लेकिन लोग क्यों कर क्यों नहीं रहे यस इन फर्स्ट वन टू और थ्री इयर्स द प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज क्योंकि इतनी न्यूट्रिशन है नहीं सोयाबीन है ना भाई एकदम से आप फर्टिलाइजर को हटा दो जैसे कोई ड्रग ले रहा है उसको एकदम से ड्रग से हटाओगे तो क्या होगा वो चलेगा ही है ना तो ये भी ड्रग सी है एक हिसाब से सेकेंड थिंग इज एक और मैंने डिस्कस किया था द लेट अस टेक अगेन इट समझ आ जाएगा आपको इफ वी ड्रॉ अ पर्टिकुलर डायग्राम इन दिस वे लेट अस से दिस इज अ मॉइस्चर प्लस ऑर्गेनिज्म दिस इज अ प्रोफाइल ऑफ थ्री टाइप ऑफ सोयल ठीक है तीन टाइप सोयल की प्रोफाइल है on the basis of moisture and organism, microorganism, they ठीक है बोलो नो इस सोयल प्रोफाइल का नाम क्या होगा नेचुरल क्यों बिकॉज इट हैव मैक्सिमम मॉइस्चर एंड मैक्सिमम माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे हमारे फॉरेस्ट में अपने आप क्यों ग्रो करता है बिकॉज इट हैव सफिशियंट मॉइस्चर एंड सफिशियंट ऑर्गेनिज्म सो ये हमारा हो गया नेचुरल ये वाला कौन सा होगा फिर नहीं मतलब सोयल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इट होल्ड आल्सो मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वाला कौन सा होगा अभी जो करंट चल रहा है वी कैन से फर्टिलाइजर बेस्ड फर्टिलाइजर बेस्ड इतना समझ आया ठीक है नाउ द थिंग इज आउटकम ऑफ क्रॉप बर्निंग की आउटकम क्या है एक तो आएगी डिक्रीज इन मॉइस्चर अगर आप क्रॉप बर्न करो या फिर स्टबल बर्निंग करो है ना
मॉइस्चर सोयल में डिक्रीज होगा ड्यू टू हीट. सेकंड क्या आएगा, हार्मफुल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डिक्रीज. द थर्ड थिंग क्या आएगी और क्या है, दो ये भी दो रुकों में, हाँ, इट एड न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा ड्यू टू बर्निंग, जैसे मेनली कार्बन, कार्बन ऐड करेगा है ना सॉइल में. ये हमें तीन चीज़ें समझ आती हैं. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू बर्न अ पर्टिकुलर सॉइल, जो आपको क्वेश्चन आया था, व्हेन यू बर्न अ पर्टिकुलर सॉइल इन नेचुरल एरिया और नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट सॉइल हुई है ना, द इम्पैक्ट विल बी लेसर एज कम्पेयर टू अदर. क्यों, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर लिमिट को मैं लेता हूँ कि इतनी प्रोफाइल तो चाहिए सॉइल की जिसमें आपको इतना मॉइस्चर हो एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इतने सॉइल में प्रेजेंट हो तो वी कैन ग्रो एनी क्रॉप. ठीक है, व्हेन यू बर्न क्रॉप ऑन अ सॉइल विच इज फर्टिलाइजर बेस्ड, जैसे पंजाब हरियाणा हमारे क्या फर्टिलाइजर बेस्ड की सॉइल सारी, उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी कम है, इट मीन्स इस कंडीशन में आप अगर बर्न करोगे तो मॉइस्चर डिक्रीज होगा, स्टबल बर्निंग, बर्न करोगे और मॉइस्चर डिक्रीज होगा, फिर बर्न करोगे और डिक्रीज होगा, फिर बर्न करोगे तो कम हो जाएगा, इट मीन्स इस लेवल से ज़्यादा खत्म हो जाएगा. वेयर एज इन नेचुरल और फॉरेस्ट, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट वाले, इसमें रिग्रेंट बर्निंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने. वेयर एज इन ऑर्गेनिक इससे तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी. So it means if UPSC asks you that the impact of forest burning will immediately decrease fertility, तो सही होगा या गलत? Wrong. Because if it like say like this that the impact of forest burning will decrease, we can say the fertility of soil with recurrent forest burning. वो ठीक है. Recurrent आएगा तब भी ठीक है. If it says that that the fertility of a soil will decrease in long term, वो भी ठीक है क्योंकि long term with the time ultimately वो decrease होगा. Similarly in this Punjab and Haryana based agriculture जिसमें already microorganism है मॉइस्चर नहीं कम, तो ये तो जो जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं critical level से जल्दी नीचे आ जाएगी. It means if I say that this particular natural or forest need 10 recurrent burning to decrease their fertility, ये 10 बार आग लगा उसको, ठीक है, इसके लिए कितना हो गया 7 और इसके लिए 4 और 5 जितना भी हमने देना है. इतना समझ आया, मतलब ये एक चीज ही नहीं है, ऐसा नहीं है. यू कैन नॉट इक्वेट फॉरेस्ट फायर विद द क्रॉप बर्निंग और स्टबल बर्निंग. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, द इम्पैक्ट विल बी लार्जर which is fertilized based. For example, in Punjab and Haryana. Punjab and Haryana. Whereas, the impact in organic farming will be less. And impact on natural farming will be even lesser. Now the second thing. ठीक है, समझ आया? Okay. Now the second thing is, अबाउट दिस फर्टिलाइजर बेस्ड सॉइल, अगर इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ कि आप फर्टिलाइजर बेस्ड सॉइल है आपके पास, आप फर्टिलाइजर से क्या ग्रो कर रहे हो, क्रॉप. जिस टाइम पर आप फर्टिलाइजर के ऊपर क्रॉप ग्रो करोगे ना फर्टिलाइजर बेस्ड, टू एरिया, वन इज नॉर्थ ईस्ट, अनदर वन इज वेस्टर्न एरिया. जो वेस्टर्न एरिया कौन सा है, पंजाब एंड हरियाणा. दो पार्ट में मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, सेम सॉइल है, ठीक है, मतलब इधर भी फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में भी एंड नॉर्थ ईस्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, फॉरेस्ट बर्निंग का, वेस्टर्न. क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, रेन ज़्यादा है ना, इट मीन मॉइस्चर इसमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, इसमें क्या है, रेन इज लेस. सो इस केस में अगर आप फॉरेस्ट बर्निंग करोगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ. क्लियर?
So final conclusion is that the impact of recurrent forest or impact of recurrent forest or crop burning is more in fertilizer based soil. उसके बाद एरो डालकर उसके बाद कौन आएगा ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर एरो डालोगे कौन आएगा नेचुरल. सेकंड केस है फर्टिलाइजर बेस्ड सोइल का. इन दिस द इंपैक्ट विल बी मोर इन वेस्टर्न फर्टिलाइजर बेस्ड सोइल एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू हाई मॉइस्चर इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, इसमें क्या है ना, राइट. नाउ द थिंग इज स्टबल बर्निंग. इतना कंसेप्ट समझ आया बेसिक, बिल्कुल ठीक है. Now the thing is stubble burning जो हमारे farmer कर रहे हैं. stubble का मतलब तो बताया ना, ठीक है, जो भी ground से जैसे ऊपर harvesting करते हो बच जाता है, that is stubble. stubble burning का reason क्या है, what is the reason behind the stubble burning, done, okay. no reason behind stubble burning, what are the various reasons easily clear कर सकते हो. इकॉनमी बेस क्या बोलेंगे. फर्स्ट एंड मेजर रीजन इज क्या है उसका नाम एग्रीकल्चर और वी कैन से ग्रीन रेवोल्यूशन है या नहीं. ग्रीन रेवोल्यूशन जो ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन दे फाइंड पर्टिकुलर एरियाज. ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती, रिक्वायरमेंट क्या थी. वन इज लार्ज लैंड्स, अनदर वन इज मनी, देन इरीगेशन. तीन मेजर यही थी है ना. अब ये किस एरिया में प्रेजेंट है, वेस्टर्न एरिया में, यहाँ पर लैंड लॉर्ड थे बड़े बड़े आजकल, ठीक है. देन और क्या था, कैनाल सिस्टम हमारा डेवलप कब है ना, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम तब से डेवलप है. देन मनी वो भी वेस्टर्न एरिया में ज़्यादा. सो दीज थ्री, ड्यू टू दीज थ्री रीजन, वन इज मनी फैक्टर, अनदर वन इज लार्ज लैंड्स है ना, एंड थर्ड वन इज इरीगेशन. ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट थी, दीज वर इन वेस्टर्न एरियाज. तो इसमें आ गया फिर पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ये सारे एरिए मैंने नीचे. अच्छा 5 to 8 तो नहीं किसी की क्लास लगानी है, ठीक है. जल्दी करो, इट मीन्स मनी, ये सारे तीन मेजर फैक्टर है ना, ये सारे फैक्टर काम पर प्रेजेंट है वेस्टर्न एरिया, क्लियर. बट ड्यू टू दिस फैक्टर दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन होगी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर कितना डिक्रीज कर गया है ना. एट द सेम टाइम और क्या क्या हुआ, दिस फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर के भी देश को फूड सिक्योरिटी दो और ग्रो करो और ग्रो करो, ठीक है. अब फूड सिक्योरिटी तो मिल गई लेकिन फार्मर को सिक्योरिटी कौन देगा, कोई नहीं, ठीक है. तो दिस लीड टू वी कैन से डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सोयल. दिस लीड टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ फर्टिलिटी. वो तो बस अब फर्टिलाइजर के बेस के ऊपर ही चल रहा है ना. दिस लीड टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सोयल. व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल डिक्रीज दिस लीड टू डिक्रीज इन इनकम है ना, इनकम ऑफ फार्मर. अब फार्मर की इनकम कम है तो क्या इस केस में फार्मर कैन नॉट यूज टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी यूज कर पाएगा. अब आप उसको बोल रहे हो जी हैप्पी सीडर लो, वो कहाँ से हैप्पी सीडर लेगा, वो खुद ही हैप्पी नहीं है ना. हैप्पी सीडर कैसे खरीदेगा फार्मर, मशीन खरीदो बोलते हैं जी इसको काटेगी, ठीक है. सो इट मीन्स फार्मर कैन नॉट यूज टेक्नोलॉजी, इतना पैसा है नहीं, फार्मर को ख़त्म ही कर दिया. तो अब टेक्नोलॉजी नहीं यूज होगी तो क्या होगा, फिर डबल बर्निंग, उसको तो आगे लगानी पड़ेगी. अब वो कहाँ से हैप्पी सीडर लेगा है ना, ठीक है. सो दिस इज द मेन प्रोसेस.
कि कैसे अल्टीमेटली हिस्ट्री से लेकर आज तक कंडीशन। उसके अलावा इफ यू सी द शेयर ऑफ पंजाब, इसको लिख लो, पंजाब और हरियाणा से तो है ही है ना। इफ यू सी द शेयर ऑफ पैडी, कि पैडी का शेयर कितना था, ठीक है, शेयर ऑफ पैडी इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, शेयर ऑफ पैडी इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, पंजाब में 1966 में था 7%, 1966 it was 77% and now it is 36%, जो पैडी का एरिया है जो जिसमें राइस ग्रो करते, ठीक है, द एरिया इंक्रीज। देखो अब जिस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात चल रही थी, जस्ट 7%, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, और फैक्टर क्या क्या है, एमएसपी, गवर्नमेंट ने कहा एमएसपी लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतने पे हम खरीद लेंगे चाहे मार्केट में रेट कम हो, है ना, सब कुछ दे दिया, तो क्या बचा। अब देखो पैडी का जब इस आप डेटा को उस टाइम पर भी यूज करते हो, व्हेन यू सी दैट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, देन यू कैन यूज दिस डेटा, कि भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्यों हो रही है, ड्यू टू एक्सेस इरीगेशन। अब एक्सेस इरीगेशन का रीजन क्या है, इंक्रीज इन पैडी एरिया फ्रॉम 7% टू 36% इन पंजाब, द सेकंड इन हरियाणा 5% टू 20%, हरियाणा में 5% से कितना इंक्रीज हो गया, 20%, 5% ये सेम, 5% टू 20%। सेकेंड थिंग इज ग्रोइंग सीजन, अभी हमारे जैसे पैडी को ग्रोइंग सीजन में कैसे रिलेट करेंगे, ग्रोइंग सीजन कब है हमारा पैडी का, मतलब वैसे मई में है ना, तो मई से इन्होंने क्या बोला, आप जून में करो, क्यों, मानसून नहीं आए, है ना, बोला है ना पंजाब और हरियाणा ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है नहीं, कि पहले फार्मर कब ग्रो करता था, मई, now we have to do the same process in June। अब एक महीना लेट करेगा, इसका मतलब जनवरी फरवरी में एक महीना लेट होगा, अब जनवरी फरवरी में जैसे एक महीना लेट होगा तो वीट ग्रो करने के लिए टाइम कम बचेगा, अगर मैं मई में करूँ तो एक महीना पहले प्रोसेस खत्म होगी, अगर जून में करूँ तो एक लेट होगी, इट मीन्स कि जैसे दोबारा वीट की प्रोसेस आएगी उसमें टाइम कम बच गया, अब इतने टाइम में आग ही लगाएगा और क्या लगेगा, है ना, इतने टाइम में तो है ही नहीं उसके पास। तो लिखो मैंडेट पैडी सोइंग पीरियड, फॉर एग्जांपल इन जून इंस्टेड ऑफ मई, which decrease a window period before wheat sowing, है ना, ठीक है ना, okay, now the thing is which decrease window period before the wheat, now the thing is that what are the solutions, that is most important, अगर question आया तो solution तो उसने पूछने कुछ नहीं है और उसके पूछ ही नहीं, what are the various solutions, first one is happy seeder, इसको तो आपने देखा होगा इतनी इंटरनेट पे, ठीक है, happy seeder, अब ये करता क्या है, वो काटेगा ऊपर से और उसको कैसे करके एज ए मल्च, समझ दो नए स्टूडेंट, दूसरों को तो पता है मुझे, वो जो न्यू एडमिशन है वो समझते हैं मल्च, ये आप तो समझते हो, दूसरों को पूछ रहा हूँ, मल्च मीन्स टू कवर अ सॉइल, देखो इफ दिस इज अ स्टबल है ना, इसको काटेंगे और इसको ऐसे लेयर कर देंगे, दिस इज कॉल्ड मल्च,
Now this, the benefit of this mulch is to decrease moisture. Decrease moisture loss है ना? अगर आप किसी चीज को cover करोगे तो moisture loss decrease होगा या नहीं? But the problem is that the cost of happy seed is 1 lakh. Government subsidy भी दे रही है इसमें, तो 1 lakh में आता है. Government कहती है कि हाथ से मत काटो, happy seed use करो. Happy seed cost is 1 lakh. अब 1 lakh की cost है. Let us say farmer ने ले लिया इसको. For the rest of time it will become a idol. ये use ही नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा. एक बार use कर लिया, बाल थोड़ी काटेगा वो, है ना? एक बार use कर लिया तो क्या करेगा? सर्दी रही नहीं, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसमें कॉस्ट इंक्रीज होगी मेंटेनेंस की. अब फार्मर देखता है कि भाई नेक्स्ट ईयर फिर मैंने यूज़ करना है, देन उसके बाद फिर वो जाएगा मैकेनिक के पास, है ना, जिसको ग्रीस वगैरह कर, उस टाइम पर क्या होगा, इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, होगी या नहीं? जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी तो फार्मर सोचते हैं यार इससे अच्छा मैं 5000 ही दे दूँ जो फाइन है. ये रियलिटी है, वो कहता है 5000 ले जाओ, ठीक है. तो फार्मर जो है इतना बेनिफिशियल इसको नहीं मानता. तो हैप्पी सीड लिखो, इट कट, हैप्पी सीड जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इट कट स्ट्रॉ, STRAW, इट कट स्ट्रॉ एंड डिस्ट्रीब्यूट एज ए मल्च. मल्च इज अ लेयर ऑन सोइल टू डिक्रीज मॉइस्चर लॉस. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टू डिक्रीज मॉइस्चर लॉस. प्रॉब्लम देखो, इवन इफ फार्मर परचेज हैप्पी सीडर, इट विल रिमेन आइडल, IDLE, इट विल रिमेन आइडल. आइडल मतलब विदाउट एनी पर्पस. जैसे कई IAS करने आ जाते हैं, देर मेन आइडल फॉर द 5 or 6 years, देर मेन आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, विच इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट. रेंट पे ले रहे हो? हाँ जी, रेंट पे नहीं ले रहे हो तो वो भी करवाऊंगा. मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडाइज करके 1 lakh की है. हाँ, वो अभी करवाऊंगा, ठीक है. तो ये सारा हमारा काम खत्म हो गया. उसके बाद गवर्नमेंट ने बनाया, दैट इज फार्म मशीनरी बैंक. दूसरा एक्शन गवर्नमेंट ने क्या लिया, फार्म मशीनरी बैंक. ये रेंट पे देगी मशीन्स, ठीक है, रेंट नहीं मिल रही है. तो रेंट जैसे फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना रूरल एरिया, तो उनको गवर्नमेंट ने पैसा प्रोवाइड किया है कि आप मशीन वगैरह लो और फार्मर्स को रेंट दियो. लेकिन अभी कितनी प्रोसेस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट किसके ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है. इवन इट ऑल्सो गिव अ ऑप्शन टू फार्मर दैट इफ अ पर्टिकुलर फार्मर वॉन्ट टू बाय एनी मशीन फ्रॉम मशीनरी बैंक, इट विल बी एट सब्सिडाइज रेट, कि उसको ऊपर भी सब्सिडी दे देते. फार्मर कहता है इतना दुकान ऐसे किया ऐसे लगाई, खत्म, ठीक है. तो लिखो इसमें फार्म मशीनरी बैंक्स. इसके अंदर लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1151 क्या बोलते हैं इसको, शगन 1151 करोड़ रुपीज. इट विल गिव 80% फंड ऑफ प्रोजेक्ट, इट विल गिव 80% फंड ऑफ प्रोजेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉमा फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. क्या लिखा है?
हाइड्रोजन ही आ रहा है इट विल प्रोवाइड 80% फंड ऑफ प्रोजेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस टू सेटअप फार्म मशीनरी बैंक्स ठीक है ये तो लिख लीजिए आप तो इसका भी अभी काम ऐसा है ओके नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द सॉल्यूशन जो इनोवेटिव जैसे एग्जाम में बोल देता है दैट व्हाट आर द इनोवेटिव सॉल्यूशन है ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा एग्जाम में तो इसी के नंबर सो सॉल्यूशन क्या होगा दो दिन में केस करवाऊंगा जो मैंने न्यूज़पेपर रिसेंटली पढ़े वन इज फाइव आई आई टी ग्रेजुएट ठीक है अब इन्होंने एक काम किया है कंपनी में जिसका नाम है क्रिया लैब प्राइवेट लिमिटेड क्रिया लैब प्राइवेट लिमिटेड अब ये बोलते हैं कि फार्मर जो है ठीक है फार्मर भी कलेक्ट स्ट्रॉ जो भी उसको काट कर कलेक्ट लेकर आए अब उसकी अगर मैं कॉस्ट देखूँ वन हेक्टेयर की कितनी है अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 2000 कि अगर फार्मर ने आग लगाने के बिना उसको काटे ठीक है उसकी कॉस्ट कितनी है 1500 to 2000 है ना अब क्लियर है वो ने क्या बोलते हैं ठीक है दे सेड दैट कि हमें 5000 में दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम तब भी दे देंगे दिस इज इनोवेटिव प्रोसेस ठीक है तो अब करें क्या उसका दे विल कन्वर्ट दैट स्टबल और स्ट्रॉ इनटू पल्प पल्प के पल्प में कन्वर्ट करेंगे ठीक है पल्प से क्या बनाएंगे टेबल वेयर्स जैसे आपकी कप प्लेट डिस्पोजेबल ये सारे इसे इन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया अपने से हरियाणा में आई थिंक उस टाइम पर बोला था कि एस्टेब्लिश करेंगे हरियाणा और पंजाब इट मीन्स दिस इज अ इनोवेटिव सॉल्यूशन वी शुड एनकरेज यू कैन ऑल्सो एड दिस इन स्टार्टअप है ना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का भी है बढ़िया से एग्जाम्पल या नहीं ठीक है क्लियर तो इसको एरो डालकर बना लो कौन का नहीं फिर वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको वो होगी नहीं ठीक है द कॉस्ट ऑफ वन हेक्टेयर इज 1500 to 2000 बट दे विल बाय एट 5000 एंड कन्वर्ट दिस स्ट्रॉ इनटू पल्प एंड अल्टीमेटली यूज टू फॉर्म अ वेरियस टेबल लेयर्स डिस्पोजेबल ग्लास disposable plates and all this thing. अच्छा एक बात तो पेडी स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ दोनों में से कौन सी ज्यादा न्यूट्रिशियस ये बात तो नजर हमने कौन सा खा के देखी है ऐसा नहीं मतलब दोनों में से है कौन सी बुक्स में मतलब न्यूज़पेपर में तो आया होगा वीट इज मोर न्यूट्रिशियस एज कम्पेयर टू पेडी ये याद रखना इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ पेडी स्ट्रॉ इज 9 times लेस एज कम्पेयर टू वीट लिखो वीट स्ट्रॉ इज मोर न्यूट्रिशियस वीट स्ट्रॉ इज मोर न्यूट्रिशियस देन पेडी स्ट्रॉ एंड पेडी स्ट्रॉ इज 9 times चीपर भाई इतना अब जब न्यूट्रिशियस नहीं है देखो एनिमल फॉडर एक देखो सुनो एक और रीज़न है ना कि भाई पेडी स्ट्रॉ को हम बर्न ही क्यों करते हैं द रीज़न इज दैट पेडी स्ट्रॉ इज नॉन न्यूट्रिशियस सो दे आर अनेबल टू फीड इट टू एनिमल्स वीट को तो फीड कर देते हैं पेडी का उतना बेनिफिट नहीं होता ठीक है क्लियर इतना इट मीन्स The second is the cost of petty straw is 9 times cheaper than wheat straw. इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर फार्मर काटेगा भी इसको तो बेचेगा कहाँ पे पहले ही लगी पड़ी है इसकी है ना डन
नो द सेकंड तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन एक और प्रोवाइड किया है, दैट इज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलती है कि पैटी स्ट्रॉ है ना, जो पैटी स्ट्रॉ को इसमें अंदर आप बासमती स्ट्रॉ डाल दो, बासमती स्ट्रॉ। अब बासमती वाली ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है, दूसरे से, तो इसको एंड यू कैन यूज एज एनिमल फॉडर, एनिमल फॉडर के लिए यूज कर लो, क्या है ना, यू कैन यूज एज एनिमल फॉडर। और एक ऑप्शन है इनोवेटिव, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पानीपत, पानीपत में यूज हो रहा है हरियाणा में, दे आर यूजिंग पैटी स्टबल और पैटी स्ट्रॉ एज कंपोस्ट। देखो पैटी स्ट्रॉ को किस में यूज करेंगे? एज कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? उसको लैंड में है ना डालकर उसको कंपोस्ट करेंगे, ठीक है, डीकंपोज, ऐसे कंपोस्ट यूज करेंगे पैटी स्ट्रॉ, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? इट इज यूज टू ग्रो मशरूम। मशरूम क्या है? फंजाई। मशरूम को ग्रो करेंगे, ठीक है, मशरूम इज अ फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या होता है? मेरे जिनको मैं अभी पढ़ाया कि बताओ मुझे फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉफ क्या है, सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ मतलब इट विल अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन, तो कंपोस्ट पे ग्रो करेंगे, ठीक है, कंपोस्ट, ठीक है। देख लो किसका, ये बंदे का नाम ही है उसमें, मतलब फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं अभी रिसेंटली है, कल ही मैंने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, डाउन टू अर्थ। हाँ जी, पानीपत से पहले इधर क्या आएगा? करनाल। पैटी बासमती, इसका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। Then again, लिख लो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के लिए यूज हो सकती है नहीं, बायोफ्यूल में कौन सी जनरेशन बनेगी? सेकेंड, है ना, ऐसे ही याद हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ पैटी स्ट्रॉ, नेक्स्ट इनोवेटिव सोल्यूशन इज कलेक्शन ऑफ पैटी स्ट्रॉ इन टू बंडल्स। बंडल्स में कलेक्शन कर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके ऑनलाइन कुछ मंगवाते हुए ना, तो उसको किस में पैक करते हैं, या तो स्पंज वगैरह साइड पर लगी होगी ना सब कुछ, तो अगर उसमें ये डाल दें स्ट्रॉ, ठीक है। सो देखो पैटी कलेक्शन ऑफ पैटी स्ट्रॉ इनटू बंडल्स कैन बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फ्रेजाइल मटीरियल और फ्रेजाइल आइटम्स लाइक क्रॉकरी, क्रॉ मटीरियल, है ना। नेगेटिव क्या होगा इसका? इम्पैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ स्टबल बर्निंग एंड पॉजिटिव और स्टेबल कर, पॉजिटिव भी होता है पता है, हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव आप अच्छा पॉजिटिव में क्या बोल रहे हो? बेनिफिशियल नहीं न्यूट्रिएंट क्या अच्छा वो ठीक है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म, इसको आप बोलोगे शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन फर्टिलिटी। जैसे फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर आर्टिकल आया, वो बोलता है कि फार्मर इसलिए आगे लगा रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट विल इंक्रीज फर्टिलिटी, बट दैट बेनिफिट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म,
नेगेटिव क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन, है ना, लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन फर्टिलिटी, सही है। उसके बाद पोल्यूशन, जो मेन है पोल्यूशन और डिक्रीज इन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्रीज इन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आगे लगाओगे क्या होगा, हाँ, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सोयल, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सोयल, ये भी हो गए, मॉइस्चर लॉस, मॉइस्चर लॉस, शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन फर्टिलिटी, और क्या है इसके बेनिफिट, जैसे उन्होंने बताया क्विक एंड चीप, है ना, एप्लीसीडर बताया मैंने। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिक्रीज इन नाइट्रोजन टाइप, नाइट्रोजन टाइप, इसको याद कर लेना एग्जाम में, इसके बेस पर ही आपका आंसर निकलेगा, डिक्रीज इन नाइट्रोजन टाइप, इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ टाई रिलेशन, जैसे दे हैव अ क्लोज रिलेशन विद द स्टबल, अगर आपकी फील्ड में स्टबल है, ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर, अगर तो आप इसको आग नहीं लगाओगे देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल यूज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज कर देंगे, बिकॉज नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल आर एन ए फॉर्मेशन, डी एन ए फॉर्मेशन सारी, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को यूज करेंगे, बट नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ फर्टिलाइजर, इट मीन अगर हम आगे